गाइज फेसबुक पर एक सेकंड के अंतर्गत कितने लाइक किए जाते हैं, एक दिन में कितने वीडियो अपलोड किए जाते हैं, एक दिन में कितने लाइक किए जाते हैं, इन सब के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहे, आपको सारे के सारे इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। गाइज जब चैनल आया था यानी कि टीवी जब आया था उस पर कोई ना कोई चैनल आया था। चैनल जो आया था वह मनोरंजन के लिए नहीं, न्यूज के लिए यानी कि न्यूज फैलाने के लिए सरकार द्वारा पहली बार उस चैनल का कौन सा नाम था जो कि चैनल पहली बार टीवी पर आया सब यानी कि सब लोगों को पास न्यूज फैलाने के लिए, उस चैनल क्या नाम है? डीडी न्यूज, जो सरकार द्वारा यहाँ चैनल बनवाया गया था केवल न्यूज को लोगों के पास पहुंचाने के लिए। गाइस भारत का पहला जब टीवी आया हुआ था उस समय मनोरंजन का कोई ना कोई चैनल होगा, लेकिन कौन सा चैनल था जो कि मनोरंजन का पहला चैनल कहा जाने लगा, पहला चैनल था उस चैनल का क्या नाम है? मैं बताता हूँ कि उस चैनल का नाम था जी टीवी। जी टीवी जो पहला था जो कि प्रथम बार भारत में वह मनोरंजन के लिए चैनल खुला था, कोई न्यूज के लिए नहीं। गाइस भारत में कलर टीवी के पहले जो कि कलर टीवी आया उसके पहले सादा टीवी था जिसमें ब्लैक एंड व्हाइट दिखाया जाता था, लेकिन उसके बाद जो रंगीन टीवी आया वो रंगीन टीवी कब आया? मैं बताता हूँ कि आप एक बार चार सेक्शन में लिखे कि आपके पास रंगीन टीवी देखने के लिए कब मिला। 1982 में रंगीन टीवी की स्थापना हो गया, अगर आपके पास कब पहुंचा है तो मेरे चार सेक्शन में एक बार लिखे कि आप कब देख रहे हैं। गाइज अगर आप टीवी देख रहे हैं, अगर आपके हाथ से रिमोट के ले लिया जा रहा है और आपको कहा जा रहा है कि बिना रिमोट से आप टीवी को पूर्ण रूप से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टीवी को देखने के लिए आपको बहुत दिक्कतों का सामना करने पड़ेगा क्योंकि रिमोट से हाथ से लिए आप बहुत चैनल से भगा सकते हैं, लेकिन बिना रिमोट को आपको दिक्कत करना पड़ेगा। लेकिन रिमोट का आविष्कार किस व्यक्ति ने किया था, उसका क्या नाम था? उस व्यक्ति का नाम है यूजिन पोली नाम है जो कि रिमोट का आविष्कार किए। गाइज जो टेलीविजन है उसका आविष्कार कब हुआ, उसका आविष्कारक कौन है, आविष्कार करने वाला व्यक्ति कहाँ क्या है, ये पूर्ण जानकारी मैं देता हूँ। टेलीविजन का आविष्कार 1924 में हुआ, जो कि आविष्कारक हुए विदेशी, और विदेशी में उनका नाम है जॉन लोगी वेयर्ड नाम है जो कि टेलीविजन का आविष्कार 1924 में कर दिया। गाइज मैं आपको बताता हूँ कि सबसे बड़ा यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा कितने इंच का टीवी है। आजकल कहता है कि मैंने तो 100 इंच का टीवी रखा हुआ हूँ, मैंने बहुत अधिक बड़ा टीवी रखे हुए, लेकिन कितने बड़े सबसे बड़े दुनिया में टीवी है? 103 यानी कि 103 इंच का जो टीवी है दुनिया का सबसे बड़ा टीवी है। उन टीवी का क्या नाम है? मैना सोनिक प्लाज्मा टीवी है, जिसे कहा जाता है कि प्लाज्मा टीवी। गाइज इंटरनेट इतना पॉपुलर है कि अगर इंटरनेट नहीं रहता तो क्या होता, हम लोग भी आजकल पिछले जमाने में जीते, जिस प्रकार से पिछले के लोग जीते थे उसी प्रकार से इंटरनेट इतना आया कि लोग यानी कि एडवांस वर्जन में जीने लगे। इंटरनेट को कौन से व्यक्ति ने उसे लाया था? 1979 में इंटरनेट आया, उस इंटरनेट को कौन से व्यक्ति ने पहली बार बनाया? टीम बर्नर्स ली ने इंटरनेट को पहली बार बनाकर पूरे दुनिया को आज इतना आज़ादी दे रहा है। इंटरनेट है जो कि पूरे दुनिया में आ गया था, लेकिन भारत में यानी कि भारत में जब तक नहीं आया था, भारत में पहला इंटरनेट कब आया, वह किस कंपनियों द्वारा लिया गया, वो जो कि सरकार के मानता है कंपनी, वह कंपनी कौन सा है? बीएसएनएल के द्वारा यहाँ इंटरनेट में गया 1995 में बीएसएनएल के द्वारा इंटरनेट मंगाया गया। उसके बाद बाकी कंपनियों ने इंटरनेट को और तेजी से बढ़ाए। YouTube को कौन नहीं जानता है, आप लोग बता सकते हैं कि YouTube पर आप एक दिन में कितने वीडियो देखते हैं? जी हाँ, मैं बताता हूँ कि YouTube पर एक सेकंड के अंतर्गत कितने वीडियो को देखे जा सकते हैं और देखे जाते हैं उसके एक सेकंड के अंतर्गत लगभग बताया जाता है कि एक सेकंड में एक कितने वीडियो को देखे जा सकते हैं और देखे जाते हैं उसके एक सेकंड के अंतर्गत लगभग बताया जाता है कि एक सेकंड में 1,00,000 वीडियो को पूरे दुनिया में यूट्यूब के द्वारा देखे जाते हैं एक सेकेंड में, मात्र एक यानी कि 1 सेकेंड में 1,00,000 के। गाइज फेसबुक पर एक सेकेंड के अंतर्गत कितने लाइक किए जाते हैं, जैसे कि आप हम लोग अगर फेसबुक पर एक लाइक जितने समय यानी कि 1 सेकेंड लगा एक लाइक करने में, उतने 1 सेकेंड में फेसबुक पर लगभग
लगभग 60,000 लाइक लोग कर देते हैं कोई भी फोटो को, जो कि पूरे एक सेकेंड में करते हैं 60,000 लाइक। इनके लिए क्या आपके लिए एक सब्सक्राइब बनता है? जी हाँ, मेरी वीडियो अगर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।